और मेरा डायलॉग बाजी डायलॉग बाजी का अभी 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 हाँ जी बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे मोबाइल अभी ऐप आज लॉन्च होने से आज जी क्या कहना चाहेंगे कि उसके अंदर का ये दोबारा देखिए सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से गाना बजाना सीख सकते हैं और जिसको जो भी सीखने की तमन्ना है वो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। वरना जैसे हमको अगर किसी के पास सीखना है तो उसको ढूंढने में खोजने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी, अभी इस ऐप के ज़रिए चुटकी बजाया सीधा आप सामने आ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। और उसके लिए योगेश लखानी जी ने जो भी मेहनत की है, पंकज ने बहुत अच्छा सोचा है इन लोगों ने, और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि बहुत आसान तरीके से पूरी दुनिया के सामने हम लोग आ जाएंगे और अपना हुनर अपना टैलेंट उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसा इस धरती पे शायद ही कोई बाप होगा जिसको अपनी औलाद की खुशी ना हो, तो मेरे लिए मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन बच्चों ने जो भी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, और मेरी दिल से दुआ है उन लोगों के साथ और आगे भी बहुत उनको जाना है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो बस आप लोग दुआ करें उन बच्चों के लिए भी। मैं आवेश के बारे में इतना ही कहूँगा, बहुत हार्ड वर्कर बच्चा है मेरा, वो उसने बहुत मेहनत किया है और अभी भी वो बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसने कभी अपने बाप का नाम का फायदा नहीं उठाया और उसने खुद अपना एक रास्ता बनाया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है। वरना क्या होता है कि एक सेलिब्रिटी बन जाने के बाद उसको उसके बच्चे को यही उम्मीद रहती है कि मैं अपने बाप की उंगली पकड़ के आगे निकल जाऊँ, बट मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चों में वो वाली बात नहीं है, उन्होंने हमेशा अपने बाप को अपने दिल में रखा, लेकिन जहाँ उनको रास्ता बनाना था वो उन्होंने खुद बनाया अपनी मेहनत से, तो मेरे लिए वो ज़्यादा खुशी की बात है कि जो कुछ भी किया उन लोगों ने, जिस तरह मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिल्कुल उसी तरह वो लोग अपनी मेहनत से अवेश भी यहाँ तक पहुँचा है और जैद भी अभी बहुत अपने आप को बहुत पुश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए बच्चों के लिए। देखिए अभी उसकी उम्र है, लोगों से प्यार करना है, इश्क करना है ना, करेगा जब उसका दिल हो जाएगा वो शादी भी कर लेगा, है ना। मैं तो हूँ उन लोग के लिए, जब वो बोलेगा भाई डैडी मुझे शादी करनी है मैं बोलूँगा चल बेटा। सर देखिए इस वक्त है ना मैं थोड़ा कुछ मैं कुछ और काम में बिजी हूँ, नहीं तो लास्ट ईयर मैंने पूरा बिग बॉस शुरू से एंड तक देखा था, बट इस बार थोड़ा सा मेरा कुछ काम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ भाई, इस बार नहीं देख पाया शादी की शादी की तैयारी अंदर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और बहुत मैं तो देखो खुश रहूँगा जहाँ मेरा बच्चा खुश रहे, है ना, फिर चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की कोई भी लड़की हो जो उसको पसंद है और जो जिससे उसको खुशी मिलती है वो करे, वो है ना, उस वो हिंदी फिल्म टिपिकल वो वैसा वाला मामला नहीं है कि खबरदार अगर तुमने ये कदम उठाया। सर दिवाली आ रही है, ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहिए दिवाली के बारे में। हैप्पी दिवाली और बहुत सेफ दिवाली के लिए, पटाखे बहुत कम फोड़ना, अपने आप को थोड़ा संभालना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है आज का जो दौर चल रहा है ऐसे वक्त में हमको अंदर से अपने आप को बहुत रोशन रखना है, नर्वस मत होना, दिवाली हम उसी फोर्स में मनाएंगे उसी जोश में मनाएंगे। हैप्पी दिवाली।
बहुत अच्छा होगा। आज तक हम लोगों ने चाय की टपरी में मीटिंग की है, कई कॉफ़ी शॉप में मीटिंग की है, लेकिन माय मीटिंग मतलब अब हम कुछ सजेशन ले सकते हैं यहाँ से। और पहली बात है कि हिंदुस्तानी ऐप है, तो ये अपने आप में एक हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है जब कोई अपने इंडियन ऐप आता है। और इसको हम पूरी तरह से बढ़ाएंगे, और हम जितने भी कलाकार हैं, आप तो मेरे ख्याल से सारे शो जो भी वर्चुअल शो होंगे मेरे यहाँ पर से यहाँ से होंगे। बिल्कुल ऑडियंस के लिए आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। हम लोग जितने भी जो ऑडियंस 7-8 महीनों से हमें ढूंढ रही है कि हम कहाँ मिलेंगे, अब उनको हम यहाँ मिलेंगे माय मीटिंग। ओके सर, आपने मित्रों कहा तो कुछ अपील करना चाहिए उसी टाइम में, मित्रों और मोदी जी की अपील में? भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आने वाली दिवाली आप सभी के लिए अच्छी हो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप सभी को पटाखे फोड़ने चाहिए? नहीं फोड़ने चाहिए भाई बहनों, क्योंकि पटाखे से पॉल्यूशन होता है। धन्यवाद। और पटाखे भी चाइना से आ रहे थे, फोड़ना नहीं, बैन है। अरे मैं तो ऐसा दिवाली बनाएगा, माँ कसम भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, और साला कोरोना भी है, मगर इस कोरोना को बाजू में हटाऊंगा, लोगों के साथ बोलूंगा कि दिवाली बनाना सेफ दिवाली, मास्क पहनना है, ऐसे ऐसे पहन के दिवाली बनाना है, पटाखे फोड़ना है। अच्छा लगता है। तो बिल्कुल आजकल वही चल रहा है कि सब कोरोना कोरोना माता की दुआ, घर पे बैठे हुए सारे, आप ही लोग बाहर निकले हुए हो। पर अच्छी बात है, आप लोग अगर आप लोग निकले हुए बाहर तो हमें खबर दे रहे हो कि कहाँ पर कितने केसेस चल रहे हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है, और आप लोग भी अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो, तो ये सब हमारे लिए कर रहे हो। तो मैं आप सभी के लिए यही कहूँगा कि बस आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया रहें, आपकी फैमिली अच्छी रहे, और हैप्पी दिवाली पूरे मीडिया को मेरी तरफ से। बिल्कुल देख रहा हूँ सर मैं, मेरा फेवरेट है जैन कुमार शानू, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है, बहुत भोला प्यारा, एकदम नादान बच्चा है, लोग उसे कहते हैं कि ये लड़कू बैंगन है, यहाँ जाता है, उसकी मासूमियत कोई नहीं दिख रहा है, वो दोस्ती बनाना चाहता है, वो ऐसा नहीं कि मैं इसके साथ चीटिंग करूँ, इससे दोस्ती करूँ, वो आपसे भी दोस्ती कर रहा है, इससे भी दोस्ती कर रहा है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा, मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया, काम भी किया है, तो उसको मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मराठी भाषा में जो कहा था, उन्होंने कोई दिल से नहीं बोला था, एक कहते हैं ना इरिटेट में निकल जाता है, वो वैसे निकल गया, और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, शायद उनको पता नहीं था कि मैंने क्या बोल दिया, फिर हमने रियलाइज कराया कि आपने गलत बोला है, तो उन्होंने फिर अपना माफ़ी मांग ली। और वो बच्चा है, नादान है, वो आप सभी जानते हैं, और रही बात नेपोटिज्म की बात, तो सभी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि वो जब वो 6 महीने के थे तब से वो अपनी फैमिली से अलग है, मतलब अपने फादर से अलग है, तो उनकी माता ने जो उनको दिया है, जो परवरिश की, बहुत अच्छी की है, और ना ही किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वो आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं उनका भी, मैं फ़ैन तो पहले से था उनका, और ये भी नहीं था कि मैं शानू का बेटा तो मैं उनका फ़ैन हूँ, उनके साथ मैंने एक शोज़ किया था, मेरी नाइट थी, मेरी कॉमेडी वीएफ नाइट में, तो उन्होंने सिंगिंग की थी, तब से मैं उनका, अब मैं भी फ़ैन हो गया हूँ, और बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरी दुआ है, ब्लेसिंग है कि वो आगे जाए। मुझे नहीं लगता, वो मैच नहीं हो रहा है, बट वो जान कुमार शानू का शायद दिल अटक गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, बट वो मैच एक जोड़ी मैच नहीं होती जान तक। तंबोली के बारे में कुछ कहना चाहिए? तंबोली के बारे में क्या बोलूँ कि वो जो है, जो बोली सही बोली, मेरे को बोला था ऐसा थोड़ी होता है, सब कह रहे थे, मैं भी बोलूंगी यार। ओ बाबे, रूबीना जी तो मतलब हिंदी की दुकान है, मतलब, बट मैं इनकी हिंदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो बहुत ही प्यार से, मतलब कितनी, मतलब उनको सुनने का मन करता है, जब भी बोलती है मैं अटक जाता हूँ, रूबीना जब भी बोलती है, तो उनके एक एक हिंदी का जो शब्द आते हैं, ऐसे कान को जो आराम मिलता है, ये तो हमारी मुंबई है, तो अरे भाई आ रहे ला वो है, वैसे शब्द सुनने बहुत कम मिलते हैं। तो रूबीना जब ये कहूँगा कि आप जो भी मुद्दा बोलती है बहुत अच्छा बोलती है, बट थोड़ा सा संभल के, बिग बॉस क्या करे, यहाँ पर डाकू लोग भी हैं। इनकी जोड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है, आजाद पवित्रा के बारे में ये कहूँगा कि भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि इनकी जोड़ी बन जाए, क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री लगती है, मतलब ऐसा एक शर्माना
दोनों एक दूसरे दोनों शर्माते हैं, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। वहाँ तो मुझे पहले से लगता था कि वो दिखावा ही लग रहा था जलोड़ा साहब के बारे में, क्योंकि ये बात भी है। अभी ये तो देखो कुछ अंदर ये भी हो सकता है, टीआरपी का स्टैंड भी होता है, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एजाज और पवित्रा में एकदम रियल लव वाला एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी और लोग जो करते हैं जिन्होंने शादी की जैसे आप बोल रहे हो वो चले नहीं, पता नहीं वो क्या है या नहीं है, वो मुझे भी पता नहीं। अभी मुझे देखना पड़ेगा बिग बॉस का खुश क्या है, बिग बॉस की आँख से घुसूंगा तब तक पता चलेगा मुझे, समझे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। दिवाली भाई इस वक्त मैं नॉर्मली बनाऊंगा क्योंकि सब जानते हैं पैसे नहीं है, खर्चा भी खत्म कुछ है ही नहीं भाई। तो छोटा मोटा दिवाली बनाएंगे और आपको जरूर बुलाऊंगा मैं अपने घर पे। मैं वीआईपी, मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर से शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। लव यू। सच में मुझे आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बड़े दिनों बाद आप लोग से मुलाकात। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कैसे, ऑल गुड? चलिए अच्छी बात है। मैं इस ऐप के बारे में यही बोलना चाहूँगा, आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट माई ब्रदर, हमारे जो योगेश लखानी भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो मैं उन्हें अपनी पूरी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा फॉर दिस ऐप के लिए। एंड ये ऐप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग यू नो ईजिली जल्दी अपने फैन से इंटरप्ट नहीं हो पाते, तो इस ऐप के थ्रू आई गेस हम सबके लिए ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आप लोग को जो भी हमसे बात करनी है, कुछ भी अगर कुछ एडवाइस या कुछ सिंगिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो तो इस ऐप के थ्रू वी आर इजीली अवेलेबल फॉर यू। तो ये मैं उसका पूरा क्रेडिट हमारे जो भाई हैं योगेश लखानी जी जिन्होंने मुझे बुलाया है, तो ये उसका सारा क्रेडिट मैं उन्हें दूंगा। एंड आई विश हिम वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दिस। सर दिवाली एज यूजुअल मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि एज यू नो कि मतलब हम सिंगर्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं शोज एंड ऑल, तो इस बार फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार दिवाली जो होगी बहुत सेफ होगी। एंड मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सेफली दिवाली अच्छे से बनाएं। तो अगर हम बात करें सिंगर आप बिग बॉस में जो बड़े सिंगर हैं उनमें से एक हैं राहुल भाई एंड जान सानू, राहुल भाई इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एंड मैं यही बोलूँगा उन्हें ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि जिस तरह वो दोनों जा रहे हैं दे आर बोथ आर गोइंग इन अ वेरी गुड वे एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था बिग बॉस में, आपको क्या लगता है जान नेपोटिज्म से वजह से गए हैं या नहीं? नहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नेपोटिज्म जो आजकल ये वायरस की तरह फैला हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज उस लेवल पर जाने के लिए खुद की भी होता ही है, तो मैं नहीं मानता कि नेपोटिज्म कहीं पर भी काम आता है। ये आपकी मेहनत है, जैसे सलमान सर ने भी एक्सप्लेन किया उस दिन कि हम आपको प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं, वहाँ पे किस तरह आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह आपको गाना है, वो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरह अपने आप को प्रूव करते हैं। तो मैं सारा क्रेडिट उनकी मेहनत और उनके जज्बे को दूंगा। सो एट्स ऑल। मेरे दोनों ही फेवरेट है बिकॉज दे बोथ आर लाइक माय ब्रदर, तो मेरे तो दोनों ही फेवरेट हैं। इनफैक्ट एंड काफ़ी लोग भी हैं वहाँ पे जो जान पहचान के हैं, सो दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई विश एम वेरी ऑल द बेस्ट फॉर जन। थैंक यू। सो आई एम फरहान साबरी, फॉर योर सी यू वेरी सून। थैंक यू। यार ये एक्चुअली इट्स वन स्टॉप फॉर एवरीथिंग। आपको कुछ भी चाहिए डॉक्टर से लेके, लॉयर से लेके, सिंगर से लेके, सो एवरीथिंग यू गेट ऑन दिस सिंगल ऐप। तो आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय माई वेरी डियर फ्रेंड योगेश भाई एंड हिज पार्टनर शर्ली। सो आई विश देम गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू वेंचर एंड इट्स एन अमेजिंग ऐप। Honestly speaking, I was very much excited for this event as I got to know because Yogesh bhai and Pankaj bhai and all the team are very very dear friends of ours. तो बहुत दिन के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, सब लोग ऐसा ये चमक धमक से बहुत दूर थे 7-8 महीने से, so it's a very good feeling, it's a new normal and we are working. Lockdown में भी हम लोगों ने जो हमारी pending फिल्में थी जो release होनी थी, कुछ web series थी,
उस पर हमने काम किया और वो रिलीज़ हुई डेंजरस करके एक वेब सीरीज़ जो मिक्का सिंह भाई ने प्रोड्यूस की थी वो रिलीज़ हुई, उसका म्यूज़िक किया। मैं मुलायम सिंह यादव करके एक फिल्म थी उसका म्यूज़िक ख़त्म किया। सो लॉकडाउन के दौरान ये सब काम चलता रहा, स्टूडियोज़ बंद थे बट हम घर से जैसी भी कोशिश हो रही थी काम कर रहे थे। एंड अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब अच्छा हो, सब नॉर्मल हो, दुनिया नॉर्मल हो तो और आगे चीज़ें बढ़ेंगी। बिग बॉस चल ही रहा है सर, बिग बॉस आता रहा है यार। बिग बॉस के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही एंटरटेनिंग शो है और लोगों को मज़ा आता है वो शो देखकर, और जब जब मुझे मौका मिलता है मैं भी देखता हूँ, इट्स अ गुड शो। ऑनेस्टली इतना मतलब रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे बट यार इनका एक बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही सबसे अच्छा खेल रहा है, यू नो राहुल, राहुल वैद्य इज डूइंग वेरी गुड। एंड बाकी मुझे लगता है कि शायद वो जीत जाएगा। यार ये सबका सवाल आप मतलब बहुत खतरनाक हो, आप अपना चेहरा तो दिखाओ जरा, मास्क उतार। अरे यार सबका देखो अपना अपना तरीका है काम करने का, हम जब कोई चीज़ करते हैं, जब जो कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम सभी ये कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। तो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का और आई थिंक सबको सब राइट है कि अपने शो को मज़ेदार बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है बट कुछ लोग सक्सेस भी हुए हैं, कुछ लोग सक्सेस भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये काइंड ऑफ अ फेम है जो कि एक जो लोग जो टैलेंटेड लोग हैं वो उसको बाहर आकर भी कैश कर पाते हैं, और जो लोग मतलब एट द एंड जो टैलेंट है वही काम आता है, मजबूत टैलेंटेड लोग बाहर आके अपना नाम बना लेते हैं। यार वो अंदर शो में गेम खेल रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका दिमाग से कर रहा है वो, एंड आई नो हिम एज ही इज ओनली बेस्ट फ्रेंड आई हैव, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है तो मैं जानता हूँ उसको इन एंड आउट। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प गाय एंड उसने जो भी कुछ किया है शायद मेरे ख्याल से वो शो के लिए किया है, वो गेम खेल रहा है अंदर। सो नेपोटिज्म को लेकर हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है, मतलब टैलेंट इज टैलेंट, वो चाहे किसी इंडस्ट्री के खानदान से कोई आता है अगर वो टैलेंटेड है तो ही वो सक्सेसफुल है, चाहे वो किसी नॉर्मल या किसी आम जनता के परिवार से आता है। टैलेंट ऑलवेज सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, टैलेंट को ही इज्जत मिलेगी। हेलो दिस इज तोशी साबरी और मेरी तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार दिवाली दिया जलाकर नहीं किसी का चूल्हा जलाकर मनाइए। आई विश यू द सेम। दिया हाँ बिल्कुल यार, स्वदेशी तो अपनाना ही चाहिए हम, चाइना का तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से बहिष्कार हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ वो दे के चले गए हम लोग को, तो अब आगे और कुछ चाहिए नहीं हमें चाइना से। सो स्वदेशी अपनाएंगे और दिया जलाएंगे और प्यार से दिवाली मनाएंगे। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली। जमाना ही इन्हीं चीजों का है, आपको तो पता है कि जो चीजें हैं सब पूरी मार्केट लोग पॉकेट में लेके घूम रहे हैं फोन में अपने, अब तो फिल्में भी उसी में देखी जा रही हैं, थिएटर्स बंद हैं, कब खुलेंगे पता नहीं। तो हम भी इसको सपोर्ट करने आए इस चीज को, और तो सही डेवलपमेंट है इस फील्ड में और बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। योगेश भाई हमारे दोस्त हैं, वो भी इसमें हैं तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसका कितना बड़ा फायदा है कि लॉकडाउन से पहले मैं 3,000 लोगों को रोज गाना सुनाता था करीब,
लॉकडाउन जब से हुआ है मैं 3 लाख लोगों को रोज सुना रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई ऑनलाइन पे हो रहा है, कभी फेसबुक पे हो रहा है, कभी किसी पे हो रहा है, कभी किसी ऐप पे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बढ़ेंगी, मुझे इसका विश्वास है।